दुनिया में हर किसी को किसी चीज का पागलपन होता है। कुछ लोग भगवान के पीछे पागल होते हैं तो कुछ लोग प्रकृति के पीछे। कुछ लोगों को जानवरों का पागलपन होता है और कुछ लोगों को उन्हें मारकर खाने का। लेकिन मेरे पापा को पागलपन है जनता का। जब मैं पापा से पूछता था कि गरीब लोग आपको क्यों पसंद है, तो वो मदर तेरेसा और गांधी जी की फोटो दिखाकर कहते थे कि हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए। आपकी झोपड़ियों को घर में बदलने के लिए सरकारी अधिकारियों से मिला था, अगर वो थोड़ा सा लोन सेक्शन करे तो बाकी पैसा मैं अरेंज कर दूंगा। इंडिया कब आए तुम? अरे मेरा छोड़ो, किसी से मिलने के लिए उसके ऑफिस या घर जाते हैं, और तुमसे मिलना हो तो ऐसी जगह आना पड़ता है। मानव सेवा ही माधव सेवा होती है। इन सब के लिए घर बनवाना ही मेरा सपना है। पैसा कमाने के लिए मेरे जैसा दिमाग होना काफी है, लेकिन वो पैसा चार लोगों में बांटना हो तो तुम्हारे जैसा दिल चाहिए। मैं भी ऐसा करूंगा, मेरी जन्मभूमि है ये, मुझे भी कुछ करना चाहिए। अच्छा है, क्या करते हैं? सारी झोपड़ियों को हटा के इनको डेवलप करते हैं। सबको ट्रिपल बेडरूम का फ्लैट देंगे और जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो सब में बांट देंगे। बहुत अच्छा। मेरे ईमानदार पापा को दुनिया में सारे लोग बस ईमानदार ही नजर आते थे। अपने दोस्तों पर उन्हें बहुत भरोसा था। उसी भरोसे का फायदा उठाकर उनके एक दोस्त ने सिर्फ पैसों के लिए उनकी दोस्ती का इस्तेमाल करके गरीब लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया। गरीबों की झोपड़ियां जो उसके नाम पर लिख कर दी थी उन्हें वो बेचकर भाग गया, और ये खबर सुनने के बाद पापा कोई खबर नहीं सुन पाए। पैसों के लालच ने भलाई को मिट्टी में मिला दिया और मैं अकेला हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कुछ पता नहीं चल रहा था। बिना किसी मंजिल के अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। हे भगवान, मैंने सारे गंदे काम किए हैं, ये देखो दाढ़ी भी सफेद हो गई, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। जिंदगी गुजारने के लिए फल की दुकान लगाई है मैंने। मेरी गलतियों को माफ करके मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान। नमस्ते बेटा, सुबह सुबह बोनी के टाइम पर आए हो, बड़े स्मार्ट दिख रहे हो। कौन सा फल चाहिए बेटा? डाकू मंगल सिंह की पहली बोनी तुम ही करोगी। यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं, तुम फल यही बेचते हो या फिर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाकर बेचते हो? क्यों मजाक कर रहे हो बेटा, मैं यहीं पर फल बेचता हूँ, देख नहीं रहे हो? तो यहाँ बेचे जाते हैं, ऐसा बोर्ड पर क्यों लिखा गया है? मजाक लगता था लेकिन लॉजिक है। ये लो। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या फल खराब हो गए हैं? ए पागल हो गए हो क्या, ताजा फल को खराब कह रहे हो? हाँ तो हमें दिखाई दे रहा है ना कि ताजा है, तो फिर ताजा फल ऐसे बोर्ड पर क्यों लिखा है? मतलब यहाँ जो लोग फल खरीदने के लिए आते हैं वो अंधे हैं क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नहीं 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 नहीं, आप कस्टमर का अपमान कर रहे हो। कस्टमर इज गॉड बेटा। ठीक है। हाँ तो फिर वो बोर्ड निकाल दो। निकाल देता हूँ बेटा। बोनी तुमसे ही है बेटा, कौन सा फल चाहिए जल्दी बताओ, मैं निकाल देता हूँ। बताता हूँ बताता हूँ। अरे ये अंडे कितने अच्छे हैं, ये मुर्गी के हैं या बतख के हैं? ए पागल हो गए हो क्या, फल को मुर्गी का अंडा क्यों कह रहे हो तुम? है ना? ये अंडे नहीं फल हैं। आपकी आंखें फूट गई हैं। फल नाम का बोर्ड क्यों लगाया है? दोबारा कस्टमर का अपमान कर दिया। रुको, 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 हटा दूंगा बेटा, हटा दूंगा। ये लो हटा दिया, अब बोलो क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए, कौन से फल चाहिए, कितने डजन चाहिए? बेचने के लिए दुकान लगाई है, खरीदने के लिए नहीं। जब बेचने के लिए दुकान लगाई है तो फिर बेचे जाते हैं नाम का बोर्ड क्यों लगाया? हटाइए हटाइए हटाइए। करेक्ट, कस्टमर इज गॉड, तुमने कहा वो सही है, अभी हटा देता हूँ। ठीक है। अब बोलो। एक मिनट आता हूँ। अरे ये बहुत अच्छा है, क्या है ये? कश्मीरी सेव है। अच्छा ये क्या है? बेंगलुरु के संतरे हैं बेटे। ऐसा क्या? ये क्या है? भुसावल के केले। बस बस चलता हूँ। ए पैसे तो देते जा। क्या? हाँ
मुझे लगा कि सब फ्री में है। फ्री में? अरे भाई बोर्ड तो लगा सकते हो ना, अच्छे से बोर्ड लिखवाओ, कस्टमर को कंफ्यूज मत करो, कस्टमर इज गॉड। कस्टमर मतलब गॉड नहीं होता है, बैड बैड। प्रकृति हमारी भूख मिटाती है, लालच नहीं। ये पापा हमेशा कहा करते थे, इस देश का हर घर मेरा है, हर दाने पर मेरा ही नाम है, ये सोचकर मैं अपना गांव जन्मभूमि छोड़कर यहां आया हूं और अभी इस पंजाब ने मुझे आश्रय दिया है। इसकी तो पेट्रोल खत्म हो गया। अरे भैया लाइटर है? नहीं है जी। फायर? हेलो। ओए सिगरेट ले गया मेरा। ओ सिगरेट ले गया मेरा। अरे सिगरेट नहीं, बाइक ले गया वो देख। हा? बाइक। अरे चल चलो चल। चलो जल्दी। अरे अब क्या हुआ? इसमें पेट्रोल भी नहीं है यार। अरे ये क्या हो गया, लगता है इसमें भी पेट्रोल खत्म हो गया। इस पंजाब में कोई पेट्रोल डलवाता नहीं है क्या? ओ गड्डी रोक छोकरे, ओ पेपर सेपर दिखा। ये गाड़ी रोड पर मिली थी सर। रोड पे मिली थी? जी हाँ। ओ ये पर्स नहीं है, गड्डी है। वो तो है सर। और जल्दी बता असली मैटर है क्या? नहीं सर, सच में मिली है। क्या हुआ सरदार जी? मैं बताता हूँ। बताइए। मुझे रोड पर ये बाइक मिली है। हाँ? और मैं इसे ले जाकर पुलिस में दे रहा हूँ। शाबाश भैया, आजकल तुम्हारे जैसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। थैंक यू सर। चुप, तू चोर है, तूने कहीं से गाड़ी चुराई और पकड़ा गया तो मुझे बड़ी बड़ी कहानियाँ सुना रहे? नहीं सर। ओए तू चोर है, आई एम पुलिस, पुलिस ऑफ पंजाब। अरे सरदार जी अच्छा इंसान है इसलिए गाड़ी यहाँ लेकर आया है, नहीं तो अब तक गायब हो जाता। हाँ। गाड़ी लाकर देने वाले को चोर कहते हो? भैया आप जाइए। ओके गाड़ी का ध्यान रखना। चलता हूँ। ओए रमेश कोई तेरी गाड़ी लेकर के जा रहा है? हे भगवान ये तो सच में चोर है। मैंने बोला था ना कि वो चोर है, पर तू नहीं माना। सिंह जी, मुझे यहाँ आए 2 घंटे हो गए। आपको पता है ना टाइम कितना कीमती होता है। यस आई नो टाइम इज वैल्यूबल बट पेशेंस इज मोर वैल्यूबल। पॉलिटिक्स मीन्स पेशेंस विच यू डोंट हैव, यू आर अनफिट फॉर पॉलिटिक्स। सिंह जी पार्टी फंड तो दे रहा हूं ना। पार्टी फंड से टिकट ले सकते हैं बट सीट नहीं जीत सकते। मैं सारा एंजॉयमेंट छोड़ के इस सीट के लिए कुत्ते की तरह घूम रहा हूं और आप पेशेंस की बात कर रहे हैं। यू आर राइट सर, मुझ में पेशेंस नहीं है। नहीं है, आई एम इम्पेशेंट। दैट एक भी आइटम नहीं है, वेस्ट पेपर। यू आर राइट सर, यू आर राइट। You have lot of patience. I'm unfit for politics. No patience.
गुड बाय। सुंदरता की आशा करना देव जी का काम है, उसे अरेंज करना मेरा काम है। क्या समझे? समझ गए ना? ए, क्या है वो? गेम है? सुपर फिगर है। भाई ने देख लिया ना, तो बस बुक करने के लिए तैयार रहो। अच्छा, दिखाओ। ये देखो, सुपर फिगर। फोटो देखते ही भाई लट्टू हो जाएंगे। इसको बुलाने के लिए बोलेंगे। तुम तैयार रहना लड़की को लाने के लिए। वो लड़की नहीं आएगी। भाई बुलाएंगे तो भी। आकर जाने वाली नहीं, मर चुकी वाली टाइप है। मरे हुए लोगों की फोटो दिखाकर मुझे तैयार रहने को कहता है, इडियट। शी, यहाँ आकर रुक गई। अब क्या करूँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ? रुकिए भाई साहब, मुझे लिफ्ट देंगे? तुम्हारा चेहरा और ये भाषा का कोई संबंध ही नहीं है यार। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कहीं देखा हुआ लगता है। देखा है? हाँ। मुझे? हाँ। वो शायद मेरे पापा होंगे। डाकू मंगल सिंह? हाँ, मेरे पापा, मेरे पापा। मेरी माँ को धोखा देकर भाग गया है वो। हर जगह ढूंढा मैंने, कहाँ है वो, कहाँ है वो? पेद्दापुर में। हाँ, पेद्दापुर में। चलो चलो जल्दी करो। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? ए, कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं, मुझे वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम चले जाओ। गाड़ी छोड़कर क्यों जा रहे हो भाई? बाप के लिए तुम्हारी तड़प देखकर बहुत दुख हो रहा है। गाड़ी तुम लेकर जाओ, पेद्दापुर चले जाओ। तुमने मुझे लिफ्ट भी दी और गिफ्ट भी दे रहे हो। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट। ओए, मेरी गड्डी कैसे ले रहा है तू? कौन है तू? मुझे नहीं पहचाना? ताड़ा सिंह कहते मुझे। ताड़ा सिंह? मेरी गड्डी लेकर मुझे ही आग दिखा रहे थे। बिना पानी की इस नदी की तरह कटी पतंग की तरह मेरी जिंदगी चलती जा रही थी। इस नदी में पानी आएगा तो कैसा रहेगा पता नहीं, लेकिन शांति से चल रही मेरी जिंदगी में कोई भी आए तो मेरा दिल नहीं मानेगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे प्लीज। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? देव जी को तुम बहुत पसंद हो, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो तुम? तुम खुश रहो और उन्हें भी खुश करो। बताओ कितने पैसे चाहिए? क्या कह रही हो कामिनी? दिन ब दिन तुम्हारे कपड़ों के साथ तुम्हारी इंसानियत भी मरती जा रही है। वो कौन है? देवी है। हाँ? सुंदरता की मूरत है, मरने से मुरझा जाएगी। बेड पर आने से मना कर रही है, तो मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, उसे मेरे साथ सोने की भी जरूरत नहीं है। वो मेरी नजर में आइटम गर्ल नहीं है, ऑल टाइम गर्ल। क्या मतलब है भाई? वेंके, मेरी पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ एक लड़की। देव जी, सुहागरात मनाने के लिए शादी करनी पड़ेगी ना कामिनी? अब इस फोटो का क्या काम? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। नो 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 नो, अब से तुम यहाँ की महारानी हो। तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, कमांड करो। बहुत अच्छा मुहूर्त है, तब तक एंजॉय करो। कामिनी, अगर ये भाग गई तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम खुश रहो, शादी हो गई समझो। वेंकी, हाँ? आइटम अच्छी है। हाँ? 6 बजे तक अरेंज कर। सोचा था 1 हफ्ते तक व्रत रखेगा, लेकिन ये तो प्रसाद भी नहीं छोड़ रहा है। अरे बाप रे, अगर इस ढाबा रेस्टोरेंट को आश्रम बना देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मुझे तो फ्री का खाना ही भाता है भाई। सर, ऑर्डर सर। अरे आप कौन हूं मैं? तमिल हो ना?
हाँ आप मुझे जानते हैं क्या? तेरियम मुझे सब कुछ पता है। डाकू मंगल सिंह के बेटे हो ना तुम, जैसे मुझे पहले भी बहुत मिले हैं। ये बात है, फिर मेरे पापा कहाँ मिले? केयर ऑफ आंध्रा में, पेद्दापुरम में। पेद्दापुरम में? पेद्दापुरम में तो साड़ियाँ बेचता था, किसी को फंसा लिया होगा। जहाँ भी गया एक औलाद छोड़कर आ गया। वो सब के सब भी मेरी तरह ही दिखते हैं। अच्छा, ऑर्डर। एक ग्लास पानी। कैसा कस्टमर है भाई, एक ग्लास पानी ला। ये ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों देकर चला गया? क्या है? रोड पर नहीं, अपने रूम पर लेकर चलो। मेरा रूम नहीं है। तो होटल लेकर चलो। वो तो अभी नहीं हो सकता। दोस्तों को फोन करो। अपना कोई दोस्त भी नहीं है, फोन भी नहीं है अपने पास। तुम्हारे पास कैश तो होगा ना? अरे हॉले, यहाँ तक क्यों लेकर आया मुझे? वही छोड़ देना चाहिए था ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। पैसों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर इच्छा जग गई। बॉडी से बॉडी टच होने के बाद फीलिंग आने लग गई। फिर रिस्पॉन्ड करना तो प्रकृति का धर्म है ना। आओ तुम भी मुझे रिस्पॉन्ड करो। आओ आओ ना। चप्पल से मारूंगी, मुझे दोबारा ढाबा में ड्रॉप कर दे। अच्छा तो तूने मुझे टेम्प्ट करके छोड़ दिया ना, तो मैं भी तुझे बीच सड़क पर छोड़कर चला जाऊंगा। जा रे जा, चल पागल। पर हेड 10,000। छोड़ दो मुझे, जाने दो, लीव मी। घर कहाँ है तुम्हारा? अच्छे लगे? नहीं। क्यों नहीं? पैसे नहीं है। जरूरत नहीं है। I like you. इतना ज्यादा? तुम्हारी तरह रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा। मेरे पापा। ए पागल है क्या तू? ए तू पागल है क्या? नाटक मत कर, मेहनत करके कमाने का आलस है तुझमें, ऊपर से दारू की आदत। आलस और दारू का शिकार बनकर कवर करने के लिए ये जो तुम कर रहे हो ना, इसे पागलपन कहते हैं। अगर तुमसे नहीं होता ना तो कहो कि बेटी भूख लगी है, तो ये कूली का काम करके आपको पेट भर निवाला खिलाएगी। ऐसे रोज रोज दारू पीना कहां की आदत है, और बेटी को ये काम लगा दिया। छी, उसके दारू पीने का और तुम्हारी गलती करने का
यह बंधन ही एक कारण है, इसलिए मुझे ऐसे बंधन में मत बांधो। जीरो एक्सपेक्टेशंस, जीरो प्रॉब्लम्स। खाओ मैडम, खाओ। क्यों रे, कुछ नहीं खा रही है क्या? कैसे खाएगी, तुम खरीद कर लाई हो क्या? जबरदस्ती उठा कर लाई हो, नहीं खाएगी। बिल्कुल सही कहा वेंकी। नमस्ते भाई। यू आर राइट। बैठो बैठो। अरे नहीं भाई, बैठो। कहा ना बैठ जा। ठीक है ठीक है भाई। ओ, चिकन फ्राई। खाओ खाओ खाओ। नहीं भाई। अरे अरे नहीं भाई, खाओ। आप खाइए मैडम। तुझे खाने के लिए कह रहा हूं ना। ये ले पिज्जा खा, शर्माओ मत। आपने दिया है तो खाना ही पड़ेगा भाई। खाओ खाओ खाओ। कैसा लगा? सुपर है ना भाई, बहुत अच्छा। सुपर है? हाँ बहुत अच्छा है। देखो तो, ये बात तुझे नहीं उसे कहनी चाहिए। तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। एक भिखारन थी जो सड़क पे भीख मांग रही थी और उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। साहब 1 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो साहब, सबसे पैसे मांग रही थी। तभी एक आदमी ने उससे पूछा कि 1 रुपए में क्या मिलेगा तुम्हें। उस आदमी ने उसे 1 रुपए दे दिए। फिर उस भिखारन ने बताया कि वो उस 1 रुपए से वेट चेक करना चाहती है कि वो कितना कम हुई है। भिखारन 1 रुपया वेट लॉस। Yeah. उसका भी वेट लॉस। ये हंसी उसे आनी चाहिए। जोक सुनाओ, हंसा उसे। अगले रविवार को हमारी शादी है। भैया प्रेम करो। अरे तुम? हाँ मैं। सन ऑफ डाकू मंगल सिंह, मेरे पापा को जानते हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया और तुम्हें अनाथ बना दिया। सही है, सही कह रहे हो तुम। मैं मेरी माँ का बेटा हूँ। हे हाँ? चल बे, तुझे तो कलर कंपैरिजन भी नहीं आता यार। हाँ? उस भैंस को तुझ जैसे गधे ही पैदा होते हैं। पहले ट्रिम कर। हाँ मैं गधा लगता हूँ क्या? ठीक है ट्रिम करना है ना, करता हूँ। बहुत अच्छा किया, थैंक्स। हेलो, कटिंग करवा कर कटिंग करके जा रहे हो, पैसे कौन देगा? पैसे? हमें चीज लेन देन और सेवा लेन देन के अलावा पैसा लेन देन पता नहीं है भाई। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरे पापा को कहाँ देखा है? पैदापुर में, चलता हूँ। पैदापुर में? मेरा बाप मामूली इंसान नहीं है। मुसाफिर ना ठिकाना। हेलो सर। अब क्या ये गाड़ी भी मिल गई? वाह 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 वाह, आप बहुत स्मार्ट हैं सर। चेहरा देखकर फीलिंग्स और गाड़ी देखकर बैकग्राउंड तुरंत पहचान लेते हो सर। ऐसे ही हर बार कुछ ना कुछ कर मेरे कान में फूल लगा कर जा रहा है। ऐसा कुछ सोचा नहीं सर। पर एक बात बता, देश की सारी गाड़ियां तुझे ही क्यों मिल रही है? बेसिकली आई एम अ नेचर लवर सर, प्रकृति से प्यार करता हूँ, इसलिए ये प्रकृति मेरी बहुत मदद करती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये गाड़ी किसकी है? सर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी इलॉजिकल क्वेश्चन। अगर मुझे ये बात पता होती कि ये गाड़ी किसकी है तो उसे दे देता, आपके पास आकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करता? बाहर आइए महारथी, आइए आइए। आओ इधर आइए। देयर इज सो हॉट सर। आइए। हाँ देखो देखो गाड़ी किसकी है। अरे बाप रे, पुलिस की गाड़ी, अब क्या होगा?
मतलब वो यू आर अंडर अरेस्ट। रुकिए सर, अरेस्ट तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई बड़ा क्राइम कर दिया। ये क्राइम नहीं है। सी योर ऑनर, रास्ते पर मिली हुई चीज को वापस लाकर देना इंडियन पिनल कोड सेक्शन 11 के अनुसार इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स हेल्पिंग नेचर। अगर हो सके ना तो ऐसे लोगों को शत शत प्रणाम करना चाहिए या शाल उड़ाकर सम्मान करना चाहिए, लेकिन हथकड़ी पहनाकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ओ, तो तुमको इंडियन पेनल कोड भी मालूम है, है? और गायब होना भी अच्छे से मालूम है। ओए, कहाँ गया ये? वो कहाँ गया? ओए पकड़ो उसको। हेलो, अभी इस जगह को क्या कहते हैं? आश्रम कहते हैं। आश्रम मतलब सब कुछ फ्री है? हाँ बिल्कुल। रोटी कपड़ा मकान? हाँ बिल्कुल। वैसे ही बाहर अपना टाइम सही नहीं है, कुछ दिन यहाँ सेटल होना अच्छा रहेगा। आपको पहले हमारे गुरुजी की अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा गुरुजी, कौन है वो? सच बताऊं या फिर झूठ बताऊं? तुम यहां पर जरूर कुछ सोच कर ही आए होगे, वही बता दो। रात को मैं रास्ते से जा रहा था। पूछिए तो सही कहां जा रहा था? सड़क पर जा रहा था। इतने में एक रोशनी आकर मेरी आंखों में गिर पड़ी। पूछिए कौन सी रोशनी? ट्रक की लाइट होगी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, लेकिन जब ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि वो परी थी। क्या, परी थी? हाँ, जरा पूछिए परी क्यों थी? मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, देवानुग्रह की वजह से जन्मा कारक जन्म हूँ। मेरे जन्म का कोई बहुत बड़ा कारण है और मेरी वजह से लोक कल्याण होने तक मुझे यहीं रहने को कहा गया है। हाँ। बस सडनली रोशनी चली गई। क्यों? जब परी गायब होती है ना तो ऐसा ही होता है। हाँ, जो बल्ब वहाँ ऑफ हुआ था वो यहाँ ऑन हो गया। इस गैप में जो होता है वो याद नहीं आ रहा है। अरे बाप रे। अब क्या कहते हो? अब कहने के लिए क्या है गुरुजी, मुझे बेकार रहना बिल्कुल नहीं आता। सो इस आश्रम का मैं पूरी तरह से भला करना चाहता हूँ। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम यही रहो? That's God's grace. Nobody can change anything. ठीक है, लेकिन यहाँ रहने के कुछ नियम है। क्या है वो? पहले अपना रूप बदलना होगा। ओह श्योर। हमारे जैसे कपड़े पहनने होंगे। अरे ये क्या, कर्टन क्लॉथ निकाल कर सिलाए हुए कपड़े पहनने के लिए कह रहे हो? मजाक बंद करना होगा। ओह ओके। सिद्ध। जी गुरुजी। अभी से ही काम शुरू कर दो। ठीक है गुरुजी। वैसे भी यहाँ पर काम क्या होगा? घास उखाड़ना, पौधे लगाना और लोगों में प्रसाद बांटना हो जाएगा। रोज खाना मिलने में मुश्किल हो रही है यार। यहाँ रहकर तीन वक्त खूब खा सकते हैं। मैं करूँ ये? दत्त, मैं नहीं करने वाला ये सब। छह नहीं नहीं इस निराश्रय को आश्रय देने वाला ये आश्रम
तेरा जन्म तो बहुत धन्य हो गया है। ये सब क्या है? सारा सब्जी बाजार मुझ पर ही डाल दिया क्या? तुम्हें इन सब का खाना बनाना होगा। क्या काम? मैं? हाँ तुम। जूनियर्स को सीनियर्स के लिए खाना बनाना पड़ता है, ये यहाँ की परंपरा है। अब तो मैं हलवा ही बन गया यार। चलो कोई बात नहीं, अपनी मर्जी का तो बनाकर कुछ खा सकते हैं। इसमें तो नमक मिर्च मसाला डालकर बनाने पर क्या लगेगी। आय हाय, यहाँ ये सब नहीं होता। क्या होगा? नमक ज्यादा खाने से बीपी होता है, मिर्च ज्यादा खाने से सांस फूलती है, मसाले ज्यादा खाने से सारी बीमारियाँ आती हैं। इन सब के बिना खाने पर तो मुझे उल्टी आती है। मुझे बिरयानी चाहिए। वो यहाँ नहीं मिलती। अरे तो जहाँ पर मिलती है वहीं से मंगवा दीजिए ना सर। यह आश्रम इंसान की भूख मिटाती है, लालच नहीं। अच्छा अच्छा, ये डायलॉग तो कहीं पर सुना सुना लगता है। तेरी तो। अरे छोटू। जी भैया। यहाँ रख दे। खा लो मैडम, खा लो, नहीं तो भूखे मर जाओगी। ये क्या यार, मुझे मार रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी कहिए। आई एम योगी। यहाँ तो सभी योगी हैं। ऐसा नहीं है, मेरा नाम योगी है। अच्छा। हाँ, गोल मटोल बहुत ही सुंदर हो, आपने सन्यास क्यों लिया? जी क्या कह रहे हैं आप? अभी इतनी सुंदर पर्सनालिटी बनाने के लिए भगवान ने कितनी मेहनत की होगी। योर लिमिटेड एडिशन, क्यों ना इतनी सारी सुंदरता को मुझ जैसे एक स्पेशल इंसान को तुम दे दो तो क्या होने वाला है? अगर तुम इस सन्यास को छोड़ दो तो सारी दुनिया का सुख तुम्हें दिलाऊंगा, क्या कहती हो? सुख? हाँ। भगवान पर विश्वास करो, उसी में सारा सुख है। हे भगवान, जिसे देखो उपदेश देता रहता है, उस भगवान के लिए तो देवियां है ना, तो हमारे मामलों में टांग क्यों उड़ाता है? छी, लगता है भगवान के पास आजकल बहुत सारा खाली समय है। योगी। स्वामी। आश्रम में आकर सुंदरता की बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है स्वामी जी, मैं तो वो डाउट पूछ रहा था। योगी, बाह्य सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, अंतर सुंदरता देखो। ओ अच्छा, तो अंदर वो जो इतने से भगवान बैठे हैं उनके लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग की क्या जरूरत है, बताइए। जो जानना चाहते हो उन्हें बता सकते हो, नास्तिक को जो भी कहो व्यर्थ होता है। मसला जो भी हो, मुश्किल तो मेरी है ना स्वामी, इसलिए मुझे माफ कर दो और मुझे अपना काम करने दो। समझ में नहीं आ रहा है जीने की वजह क्या है। हाँ बेटा सिद्ध। हाँ। एक स्ट्रॉन्ग कॉफी मिलेगी? कॉफी नहीं नहीं। ए, ए, एक बार बोला ना नहीं मिलेगी। इसकी तो अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ए, ए, ये क्या है, यही जिंदगी है क्या? चल जा, हट। और जब वो पकड़ा जाएगा तब मैं बताऊंगा। कोई बात नहीं, सुबह कॉफी नहीं पियूंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा। भैया एक सिगरेट। चल। क्यों इतना भड़कते हो यार? एक सिगरेट। भाई सिगरेट या बीड़ी? अरे जला के नहीं जला के। अरे भाई एक सिगरेट मिलेगी क्या? ना भाई सब लोग भगा रहे हैं यार। अरे भाई सिगरेट। सिगरेट चल। अरे क्यों इतना भड़कता है यार, ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, भड़कू कहीं का। सिगरेट? नहीं 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 है। एक्सक्यूज मी, सिगरेट? अच्छा आदत है। अरे मेरी प्यारी बहना, एक सिगरेट दो ना प्लीज, एक सिगरेट। उसी को छोड़ने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा खुश रहो, बहुत खुश रहो। एक सिगरेट। सर टूट जाएगी उंगली, छोड़ दीजिए ना। अगर ये उंगली नहीं रहेगी तो तुम्हें उस सिगरेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये सब क्या है सर, सिगरेट मांगने पर उंगली, दारू मांगने पर मुंह, ऐसे जो भी मांगू उससे रिलेटेड एक एक चीज निकाल दोगे क्या? तुम्हें डिसिप्लिन की बहुत जरूरत। अच्छा ये कहाँ पर मिलेगा? आओ दिखाता हूँ।
डिसिप्लिन का मतलब ये है नीचे सोकर लोट पलोट करना, सुपर। हाँ वही है, लेकिन कुछ मुद्रा में लोट पलोट करना होता है। बैठो। मुद्रा ही है ना, कोई बात नहीं, बताइए कौन सी मुद्रा है? पद्मासन करो। हाँ, देखिए किया कि नहीं? हाँ? ये नहीं, पद्मासन। पद्मासन? पद्मा कहाँ है? थोड़ा रुक जाओ बेटा, जल्दी किस लिए? पद्मा के साथ मैं तुम्हें पाताल कैला सब कुछ दिखाऊंगा। सर अपने पैर तो चलने और बैठने के लिए होते हैं ना, तो उन्हें इस तरह से मोड़ना नहीं चाहिए सर। तुम्हारे अंदर की कमियों को हटाने के लिए मोड़ना पड़ता है योगी। सर ऐसी बात नहीं है। हाँ वो आसन अच्छा है, वो मैं करूँगा। शवासन? उसे अलग से करने की जरूरत नहीं, आखिर में वही प्रक्रिया होती है। सर नो, आई कैन नॉट, मुझसे नहीं होगा। सर ये मुझे खींच रहे, सर मेरा पैर टूट जाएगा। सर मेरा पैर, सर प्लीज बचाइए सर। सर हे भगवान, गुस्सा आ रहा है। अरे बाप रे, कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो खुद को ही नहीं पता कि मैं कितना खुश हूं सर, खुशी से तो मेरे मुंह से बातें भी नहीं निकल रही है। कोई इसे आश्रम कहता है क्या? अरे ये टॉर्चर कोई सहन कर सकता है? मर जाएगा सर। देखो योगी, इंसान के अंदर सुख दुख, खुशी गम, गुस्सा प्यार जैसे कई इमोशंस होते हैं, लेकिन पतन का कारण यही होता है। मोक्ष पाने के लिए इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हे भगवान, ये मोक्ष वोक्ष मुझे नहीं पता। मरने के बाद तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारा जन्म होता है। इन सब के बिना श्रीमद नारायण के मन में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त करना ही मोक्ष है। ओके, अच्छा है सर, बहुत अच्छा बोला आपने। लेकिन इस आश्रम से कोई वहां गया है, इसका कोई सबूत है क्या? नहीं। तो फिर यहाँ के किसी भी इंसान ने मैं वहाँ पहुँच गया हूँ ऐसा मैसेज दिया है? ये कैसे हो सकता तो है? ये सब किस लिए सर? पता नहीं है भी या नहीं ऐसे मोक्ष के लिए बिना मिर्च मसाले की ऐसी फीकी जिंदगी। योगी, तुम अपने पिता के बारे में जानते हो, उनके पिता के बारे में भी जानते हो, थोड़ी कोशिश करोगे तो उनके पिताजी के बारे में भी पता हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे वंश का मूल कौन है ये कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वंश ही नहीं है, और उसे ही भगवान कहते हैं। हे भगवान और महापुरुष, अगर वो ट्रम्प भी आपसे कुछ देर बात कर लेगा ना तो अपने गले में ताबीज बांध लेगा। अब योगी, अपनी मर्जी से जीना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सोचो कि तुम्हारे जीने का मकसद क्या है। अरे बस कीजिए सर, ये भी कोई जिंदगी है? जब तक मैं जिंदा हूँ दोबारा इस कंपाउंड में कभी कदम नहीं रखूंगा, आपको और आपकी रूल्स को। अब तो कभी जिंदगी में भूल कर भी इस आश्रम में नहीं आऊंगा, ये मैं खुद से वादा करता हूँ, नहीं आना है यहाँ पर। लगता है किसी ने मेरे लिए ही गाड़ी रखी है। अरे खुल जा। ऐसा लग रहा है कि झूठ मूठ का परिक्रमा हो रहा है, हम लोग भी वही कर रहे हैं, तू उस पर ध्यान मत दे। अरे ये क्या, गेट खुला ही छोड़ दिया है। अरे भूल गया हूँ, अभी लगाता हूँ। ये दरवाजा भी कैसे खुल गया है, अंदर देखता हूँ लड़की है कि नहीं। अरे ये भी दरवाजा खुला हुआ है, लड़की है या भाग गई? भैया लड़की है ना? हाँ लड़की अंदर ही है रे, चल। अच्छा है, लॉक कर दो भाई। थत 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 थत। यार योगी, बेकार में बाइक के लालच में आ गया तू। अगर लड़की भाग जाती तो अपनी बैंड बच जाती भाई। हाँ यार ठीक है, देखते हैं इस प्रकृति में हमारे लिए क्या छुपा के रखा है।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। किसका होगा ये घर? वैसे भी मुझे क्या, मैं जाऊं वो मेरा है। अब आया हूं तो ऐश कर ही लेता हूं। अरे दारू, दारू बनाने वाले और दारू दिलाने वाले का मैं एहसान मंद रहूंगा। अरे अपनी डिक्शनरी में एहसान नाम का तो शब्द ही नहीं है। कोई बात नहीं, पहले पी लेते हैं। तेरी के दुनिया में लोगों को दारू पीकर किक चढ़नी चाहिए, लेकिन पता नहीं इंसानों को पैसों से किक मिलती है। छी 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 छी। इसमें क्या है? ये कम से कम मंचिंग के भी काम नहीं आते। छे ये क्या घर से घूम क्यों रहा है? कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट। तेरी तो ये घर घूम रहा है, घर में लड़की घूम रही है। लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। सुनिए प्लीज, मुझे मत मारना, मैं पहले ही एक निरंजन हूँ। मैं क्यों मारूंगी? मारने से पहले जोक्स किस लिए? मुझे पता नहीं था ये आपकी प्रॉपर्टी है। मुझे मत मारिए प्लीज भूतनी जी, प्लीज। भूतनी होती तो तुम्हें कैसे नजर आती मैं? मतलब पहले कभी भूत देखने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप थोड़ी बहुत वैसी लग रही हैं, इसलिए मैंने। मैं भूत नहीं, इंसान हूँ। इंसान हो? हे भगवान। ओह, इसका मतलब आप इस घर की ओनर है। घर तो बहुत अच्छा है, वहाँ दारू की सेटिंग भी बहुत अच्छी लगा रखी है। वेरी नाइस हाउस। मैं ओनर नहीं हूँ। भूतनी भी नहीं हो, ओनर भी नहीं हो, तो फिर कौन हो? ओ, काम वाली हो? नहीं। तो फिर? मुझे किडनैप किया गया है। किडनैप? छी 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 छी। ये पैसा आखिर में किडनैप भी करवाता है, इसीलिए मुझे पैसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पैसों के लिए नहीं। पैसों के लिए नहीं? तो मैंने जैसा सोचा था ये किडनैपर उतना बेवकूफ तो नहीं है। ठीक है, रात को तुम्हारी वजह से बिना कुछ खाए मैं गिर गया, भूख लगी है, चलता हूं। कुछ भी नहीं है, ये भी खाली है। प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? क्या, साथ लेकर चलूं? लेकिन क्यों? मुझसे शादी करने के लिए मुझे जबरदस्ती उठाकर लाए हैं। अरे तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं है ना। प्लीज, थोड़ी देर पहले मुझे मारा था और अभी मुझे खतरे में डालना चाहती हो? असल में तुम मेरे बारे में सोचती क्या हो? मुझे ये शादी नहीं करनी है। वो तो किस्मत है, ऊपर वाला लिखता है, मैं नहीं, मैं अपनी लिख लूंगा। अभी चलता हूँ। अरे यार, ये समय पर हथियार कहाँ चला गया? पटियाला पहलवान देवजी को जानते हो तुम? हाँ जानता हूँ। तो उसी ने मुझे किडनैप किया है। उसे पता चला उसकी होने वाली बीवी का तुमने रेप किया है,
तो तुम्हें मार देगा। रुको, उसने तुम्हें किडनैप किया है, उसकी होने वाली बीवी तुम हो, ये सब तो समझ में आ गया, बीच में ही रेप का क्या सीन है? अगर मुझे यहाँ से बचकर निकलना है तो ये कहना ही होगा कि तुमने मेरा रेप किया है। ओहो, तो ये तुम्हारे नखरे हैं। मेरे नखरे क्या, तुम्हारे निशान भी नहीं मिलेंगे। किडनैप उसने किया, ब्लैकमेल तुम कर रही हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है बेटा, तू तो अच्छे से फंस गया। लग रहा है कॉमेडी जोन से क्राइम जोन में एंटर हो गया हूँ। ए, क्या सोच रहे हो तुम? अगर मैं तुम्हारा सच में रेप करूँ तो? तब भी मैं जिंदा रहूंगी, तुम्हारा सिर कटेगा। अब ये क्या इतना इजीली बोल रही हो? और कोई ऑप्शन नहीं है? अरे बस करो माँ, दूसरा ऑप्शन तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। तुम खुद को ठंडा रखो, ओके ना? तुम ठंडा रखो। जल्दी करो। वो जोक अच्छा है ना? हाँ, पहले सुनाओ भाई, बाद में देख लेंगे। ए, कोई आ रहा है, जल्दी चलो। वहां टेबल पर रख दे। खाओ मैडम, खाओ, बिरयानी अच्छी है, खा लो, चिकन बिरयानी है। जोक तो सुनाओ भाई। अरे जोक सुनाता हूँ, पहले चूहे से शुरू करता हूँ। नहीं भाई, पहले हाथी से शुरू करते हैं। नहीं, चूहे से शुरू करता हूँ। अरे चूहे से नहीं भाई, पहले हाथी से शुरू करना चाहिए। लेकिन मैं तो चूहे से सुनाऊंगा। अरे हाथी से भाई। अरे बार बार हाथी क्यों बोल रहा है, यही सही है। अरे चूहे से शुरू करोगे तो लोमड़ी को कब लाओगे? अरे लोमड़ी क्यों, मैंने तो बिल्ली सोचा था। नहीं भाई, लोमड़ी से शुरू करो, लोमड़ी से। अरे लोमड़ी से क्यों शुरू करूं, मैं तो बिल्ली से शुरू करूंगा। फोन आ गया, जल्दी उठाओ। ए, भाई का फोन है। तो बात करो ना। हाँ वेंकी। अरे क्या भाई बार बार डिस्टर्ब करते हैं? मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुझे? मैं? दिमाग सेंटर में ला, बता क्या कर रहा है तू? अरे कहानी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई। कहानी की प्रैक्टिस कर रहा है तू? कोई सिनेमा बना रहा है क्या? अपनी बकवास बंद कर और जाके देख उसने खाना खाया है नहीं। भाई मैडम को खाना खिलाने के लिए मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी ना, कहानी तब सुनाऊंगा ना जब आप फोन रखेंगे। ए, अगर लड़की ने खाना नहीं खाया तो? अरे आप परेशान मत होइए भाई, आप बेफिक्र रहिए, मैं देख लूंगा ना। ठीक है, मैं देखता हूँ। भैया क्या हुआ रे? ये तो पूरा खाली है भाई। लगता है पूरा खाली है। बाप रे, पूरा खा लिया, हाथ धोने गई है क्या? हाँ भैया, भूख के सामने कहानी जो कुछ भी काम नहीं आती है भाई, समझे? तूने सही कहा रे। हाँ चल भाई को बताते हैं। चलो वो सब लेकर चल, आजा। कोई नहीं है, बिंदु बिंदु। अगर ये ओपन हो जाए तो भाग सकते हैं। भाई मैडम खाकर सो गई है। अच्छा, आई सी, गुड स्वीट बॉय, नाइस, गुड जॉब। धीरे बोलिए भाई, मैडम सो रही है। जल्दी करो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कोई आ रहा है। मेरी महारानी बहुत आराम से सो रही है। भाई डिस्टर्ब मत कर। हाँ भाई। सुन रे सुन बेलिया, दिल ने धोखा दे दिया, आंखें मिले तुमसे तो इजहार हो गया। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया और उसने धोखा दिया? प्यार किया था, उसका नाम माया था, उसके लिए कई लव लेटर लिखे थे, गाने गाए थे, फाइट्स, चेज, केस, ट्विस्ट, अरे बाप रे, बहुत कुछ किया था उसके लिए, बट सैड एंडिंग, वेरी सैड एंडिंग। ऐसा क्यों? बताया ना, उसका नाम ही माया है, छू मंतर हो गई। ए, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मतलब लव फेलियर होने वाले लोग ही ऐसे गाने गाते हैं, हम जैसे लोग भी गाते हैं। वैसे मेरी बात को छोड़ो, तुम कोई गाना गाकर बताओ।
इस दिल को क्या हुआ है ऐसा लगा, दिल मेरा झूम रहा है सपना मेरा। कट 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 कट, क्या बोली? सपना? लाइफ में मुझे यही पसंद नहीं आता, ये प्यार व्यार, उन्हें हम लॉक करते हैं, हमें वो लॉक करते हैं, ये सब तो टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। कुछ भी हो सब लाइवली होना चाहिए, आदमी को रियलिटी में जीना चाहिए। जानती हो कैसे? अभी बताता हूं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी। पीछे हटो, क्या कर रहे हो तुम? इमोशन में कॉन्सेप्ट भूल गया। बच्ची तुम फ्री हो? हाँ फ्री हूँ, बाहर जाने तक तो फ्री ही हूँ। ऐसा नहीं, तुम फ्री हो ना? हाँ बताया ना। अब बच्ची को मैप समझ में नहीं आ रहा है, अब उनको ट्रैप करना नहीं आता। बेबी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तुम उचित हो ना? टच क्यों कर रहे हो तुम? मैंने कहाँ टच किया, मैंने तो ऐसे टच किया ताकि तुम्हारा बैक देख सको, फिर तुम्हारा फ्रंट देख सको। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझसे अच्छा इंसान तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं किसी को लॉक नहीं करता और ना मुझे कोई करता है। मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, ना मुझे कोई हर्ट कर सकता है। फ्रीली आजादी से जीना है, आजादी से। एक बात तो पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? आशा। और तुम्हारा नाम? निराशा। क्या? वही योगी, द ट्रैवलर। ठीक है, तो आगे का क्या प्लान है? सोच तो रहा हूँ। इस बिल्डिंग का कोई ब्लूप्रिंट है? प्लानिंग के लिए आसानी हो जाएगी ना? सीधा बताना चाहिए ना भाई। हाँ मैं बताता हूँ, तुम आ जाओ। जाओ ना। मैडम आपको खाने के लिए हंसना होगा, आपको हंसाने के लिए जोक सुनाना पड़ेगा, मुझे जोक सुनाना नहीं आता है। अरे भैया कोई जोक सुना दो, अच्छा लगा तो हंस देगी। अरे हंसने के लिए टाइम अच्छा नहीं होना चाहिए, जोक अच्छा होना चाहिए, जोक। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। भैया अच्छा रहेगा अगर थोड़ी दूरी बनाए रखोगे। ओ सही कहा। रमेश और नरेश अच्छे दोस्त हैं। रमेश ने नरेश से एक सवाल पूछा। अरे सारे पुतलों पर कौवे बैठते हैं, लेकिन गांधी जी के पुतले पर एक भी कौवा क्यों नहीं बैठता? रमेश ने कहा, अरे पागल, गांधी जी के हाथ में लाठी होती है ना, इसीलिए एक भी कौवा नहीं बैठता। समझ गए ना मैडम? पागल। अरे तुझे कुछ सुनाई दिया क्या? सुनाई तो दिया लेकिन लेकिन वेकिन मुझे कुछ पता नहीं। मैडम मुस्कुराई। नहीं भैया आवाज थोड़ी अलग से लग रही है। Shit. अरे आवाज तो हंसते समय सबकी बदल जाती है रे। सोशल बुक में पढ़ा नहीं है क्या? इसीलिए पढ़ना चाहिए। फोन आ रहा है, उठाओ। हाँ हाँ वेंकी। अरे आपके लिए गुड न्यूज है भाई। अच्छा कैसी? मैडम ने हंस दिया भाई। नाइस जॉब वेंकी, कीप हर स्माइलिंग। हाँ ठीक है भाई, आप आ जाइए। अरे भाई आ रहे हैं, चल चलते हैं। जी भाई ये सब रहने दे। मैडम आप चाय पीजिए। लो आप खाइए मैडम। अब क्या करें? आइडिया। वेंकट, वेंकट। अरे मैडम बुला रही है, क्या हुआ मैडम? कल तुमने मुझे एक जोक सुनाया था ना? हाँ। वो अब मुझे समझ में आ गया, वो जोक बहुत अच्छा था। अरे रे 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 रे। बहुत हंसी आई मुझे। देखा मेरा टैलेंट? तुम सुपर हो भाई, सुपर।
एक और जोक सुनाऊं क्या मैडम? नहीं नहीं, कल तुम्हारा टैलेंट मैंने देखा था ना, अब मेरा टैलेंट तुम देखोगे। आप भी जोक सुनाती हैं? अरे हाँ, जोक नहीं मैजिक दिखाऊंगी। मैजिक दिखाएंगी? मैजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे भैया, अरे मैजिक दिखाएगी, मुझे डाउट हो रहा है। अरे तुझे हर चीज में डाउट होता है, तू चुप रह, आप दिखाइए मैडम। ये क्या है? सफेद कागज। आब्रा का डाब्रा। अरे ये क्या है रे भैया, ये तो आपका चेहरा है। अरे बाप रे, सेम मेरा प्रिंट है, सुपर है मैडम। मस्त है भाई, बहुत अच्छा है। हाँ। मुझे भी सिखाइए ना मैडम। एक और करके दिखाऊं? हाँ करो, 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 एक करो, और करो, करो। इस बार बड़ा मैजिक दिखाऊंगी। हाँ। जादू से एक सुंदर लड़के को बुलाऊं। लड़का कैसे आएगा? अरे तू पागल है क्या, हर बात पर शक करता है। कैसे भी है तुझे क्या, आसमान से उड़कर आएगा। करो करो, आप दिखाइए मैडम, आप दिखाइए। ठीक है, पहले तुम आंखें बंद करो। सच में लड़का आ गया यार, सच में आ गया। एक बार चेक कर भाई, ये इंसान ही है ना? भाई इंसान है, मुझे मारा, इंसान ही है ना? अब हम जो कहेंगे करेगा क्या? अगर उसे अच्छा लगेगा तो जरूर करेगा। एक बार ट्राई करूं क्या? कर लो, करो भाई करो। तुम्हारा नाम क्या है? रायुडू। अरे भाई ये नहीं पूछा कि तुम लिखते हो या नहीं, सीधे नाम ही पूछ रहे। ये ले, मिल गया ना। अरे उसका नाम रायुडू है, उसे बता सकता था ना। ठीक है, तुम्हें और क्या आता है? ज्योतिषी आती है। ज्योतिषी आती है तो भाई का भविष्य बताओ ना। यू आर सन ऑफ डाकू मंगल सिंह। अरे ये इतना सही कैसे बता रहा है? अरे सुपर है भाई, मैजिक तो लाजवाब है। ठीक है, और क्या क्या आता है? जहाज चलाना आता है। पासपोर्ट नहीं है। ट्रेन चलानी आती है। ट्रेन कहाँ से आएगी, इस गांव में तो स्टेशन ही नहीं है। जीप चलानी आती है। जीप अभी भाई लेकर बाहर गए। अरे भाई बाइक है ना, बाइक। हाँ बाइक है, बाइक चलाते हो क्या? चलाओगे तो चलो, चलो चेक करते हैं, मैजिक देखते हैं, चलो। हेलो। हाँ वेंकी, क्यों फोन कर रहा था? मैं बिजी हूँ, क्या बात है बोल। मैडम मस्त मैजिक कर रही हैं। मैजिक कर रही हैं? अरे आपको मैजिक पता नहीं है भाई? अरे क्या बकवास कर रहा है, कैसा मैजिक कर रही है वो? उनका मैजिक देखकर आप परेशान हो जाएंगे, आप बहुत ही लकी हैं भाई। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो एक मैजिक तुझे मैं भी दिखाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा। तू पहले फोन रख। हाँ ठीक है, ये लीजिए मैडम बाइक, चलाओ। तू चलाने को बोल ना। चला रहा है ना। इसने बाइक स्टार्ट कर दी। मैजिक अच्छा है भाई। अरे? एकदम इंसान की तरह ही जा रहा है। हाँ लेकिन वो बाइक लेकर गया है तो वापस आएगा कि चूना लगा कर जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। वन सेकेंड। आबरा का डाबरा में इतना पावर है, आबरा का डाबरा हमको भी सिखा दीजिए मैडम। हाँ तो आंखें बंद करके आबरा का डाबरा कहो। इससे क्या होगा, तुम्हारा भाई जो बाहर गया है वो लौट कर आ जाएगा। अरे हाँ भैया, मुझे भी देखना है। चलो शुरू करते हैं। भैया भैया कहाँ है वो लोग, बाइक भी नहीं है, वो भी नहीं है। ये क्या हुआ भाई, लगता है कहाँ चले गए ये लोग, हमें मस्का लगाकर निकल गए, मुझे पहले से ही शक था। हाँ तो अब हम क्या करें? वेंकी देखो अंदर होगा। यहाँ पे कोई नहीं है भाई। वेंकी माफ करना भाई, वो मैजिक के नाम पर किसी के साथ भाग गए, मुझे आप मार देंगे इसलिए मैं भी भाग गया। यू इडियट। वो भाग गए, पकड़ो उसे। Oh.
जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ उसे भगा के ले जा रहा है। कौन है रे तू? मुझे मंगलसूत्र पहनाने वाला ये मेरा पति है। क्या कर रहा है तू? चला। तू क्या कर रहा है? अरे लेके जा ना, लेके जा। अरे गाड़ी स्टार्ट कर। घर ना मुंह क्यों देख रहा है? मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन अगर कोई है तो वो आज का ही दिन है। बताओ कौन सा पति, कैसा मंगलसूत्र? मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? मेरी जिंदगी की मुश्किलों को सुधारोगे ये कहकर दारू पीकर तुम ही ने मंगलसूत्र पहनाया था। मैंने मंगलसूत्र पहनाया था? हाँ जी, सच कह रही हूँ जी, आप ही मेरे पति हो जी। जी जी बोल कर मुझे मारिए मत जी, फ्री में मिलने पर फिनाइल भी पी लूंगा। पीना किस लिए, मंगलसूत्र डालना किस लिए? थू, कैसी जिंदगी है। अब क्या करेंगे जी? जी अब हम क्या करेंगे? जिसका घर बार नहीं है उसे मंगलसूत्र डलवा लिया, अब क्या करें, मतलब क्या होता है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चलो झाड़ियों में चलते हैं। वो किस लिए? अरे तुम तो मेरी बीवी हो ना, और मैं तुम्हारा पति हूँ, तो झाड़ियों में जाना कोई गलत बात नहीं है। चलो तुम मेरे पति नहीं हो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना, मैं मजाक कर रही थी ना। ओहो, तो ये सच है क्या? तो फिर ये मंगलसूत्र? मैं एक स्टेज आर्टिस्ट हूँ, एक ड्रामा में पत्नी का किरदार निभा रही थी तो इसे उठा कर ले आई। बचपन से अपने स्कूल में डांस, ड्रामा, सिंगिंग सब में मैं फर्स्ट आती थी, और वो इंटरेस्ट अब तक नहीं गया। उसी इंटरेस्ट के साथ जब स्टेज पर एक गाना गा रही थी तब देव मुझे किडनैप करके अपने साथ ले आया। उसकी नजर पड़ जाए तो किसी लड़की को नहीं छोड़ता, लेकिन मुझसे शादी करना चाहता है ये कहकर मुझे परेशान कर रहा है। तो वहां का मंगलसूत्र यहाँ काम आ गया, कोई बात नहीं। बेचारी वाली का कैरेक्टर तो है नहीं तुम्हारा, मैं जीता हूं और तुम नाटक करती हो, यही अंतर है। ठीक है मैं चलता हूं। लेकिन कहां? क्या कहां? जहां मेरा मन करे। और मैं? तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम ड्रामा आर्टिस्ट हो ना, कोई किरदार तो मिल ही जाएगा जीने के लिए। तो हम दोनों के बीच में इससे ज्यादा कुछ नहीं है क्या? देखो याद करके दुखी क्यों होना, सोचकर 9 महीने कोख में पालने वाली माँ को ही मैं भूल गया। तो फिर तुम तो 2 दिन पहले मिली थी, तो तुमको क्यों याद रखूंगा। गुड बाय। मुझे भूख लगी है। ये लो खाओ। एक लड़की ने तुमसे कहा कि उसे भूख लगी है, तो ये पत्ते खिलाने वाले तुम ही महापुरुष हो सकते हो। अच्छा तो फिर गोंगूरा, पालक, मेथी, धनिया ये सब पत्ते नहीं है क्या? वो भूख नहीं मिटाते, ये उनसे भी अच्छा है। कैप्सिका इंडिका लो खाओ। थैंक्स, ये तो अच्छे है, दे दो। तुम भी खाओगे क्या? नहीं मुझे भूख नहीं है। और है तो ले आओ ना, ले चलते हैं। जानवर हमेशा खाकर जाते हैं, ढोकर नहीं जाते। प्रकृति हमारी भूख मिटाती है, लालच नहीं। एक उंगली पकड़ो। किस लिए? यहाँ पर जाएं या वहाँ पर? क्या सच में तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं है। मैं हूँ ना? नहीं बिल्कुल नहीं। जिंदगी में एक साथ ही तो होना चाहिए ना। अगर साथ के लिए ही जिंदगी हो तो ये सारी दुनिया मेरे साथ है। तो अकेले ही रह जाओगे तुम? नहीं रहूंगा।
चलता रहूंगा, इसी में खुशी है। I love you. कितनी स्वार्थी हो तुम, मुझे तुमसे प्यार करना पड़ेगा? मैं प्यार करूंगा, सिर्फ तुम्हें नहीं सबको प्यार करूंगा, उन पेड़ों को, पौधों को, पक्षियों को, उन जानवरों को। मुझे पता नहीं कब कहां जाता हूं, रास्ता दिखाने वाले रास्तों से भी मैं प्यार करता हूं, जानती हो? मैं जिस दुनिया को प्यार करता हूं उसमें तुम भी हो। मैं कटी पतंग के पीछे भागने वालों में से नहीं हूं, बल्कि उस पतंग जैसा हूं कि हवा जहां हो वहां खुशी से जी लूंगा। मैं किसी के लिए काफी नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए यह दुनिया ही काफी है, बस और कुछ नहीं। देखो तुम सब जिंदगी ये है वो है ये लक्ष्य लगाकर वो पूरा ना होने पर बहुत दुखी हो जाती हो, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, बेमंजिल हूं। बस यहां से आएगी या वहां से आएगी या फिर लेट से आएगी या फिर आएगी भी या नहीं आएगी, ये टेंशन में लेता ही नहीं हूं, यही मेरी लाइफ है। मेरा नाम ही आशा है, शायद इसलिए तुम्हारे साथ जीने की आशा है। माफ करना, मैं ही लालची हो गई। तुम जा सकते हो, चले जाओ तुम। That's like my girl. Thank you so much. Have a great and fantastic life. चलता हूँ, bye. Sir, lift, 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 lift. Excuse me, can I help you? Oh, please. क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते? सॉरी, आपको हिंदी नहीं आती ना? कैन यू ड्रॉप मी ओवर देयर प्लीज? ओह, हिंदी, मुझे हिंदी भी आती है। आप? आई एम अ ट्रैवलर, मैं घूमती रहती हूँ। ओह अच्छा, अपनी टाइप की हो लड़की मुसाफिर। चलो मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ, बैठो मैं चलाता हूँ। ओह श्योर। कहाँ? जिसे खुद ही नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, उसका किसी और को पूछना कितना अजीब है ना? हे, क्या हुआ? Will you come with me? Tibet, Nepal, Mongolia, next China? आऊंगा ना। Good, लेकिन तुम्हारा लगेज? पब्लिक की वजह से ही कपड़े पहन रहा हूँ, नहीं तो ये भी नहीं पहनता। लेकिन पासपोर्ट? नहीं है। Oh God, it's okay. I'll arrange. लेकिन तुम्हारा आधार कार्ड तो है ना? वो क्या होता है? Come on, man. हम तो ये सोच रहे थे कि इंडिया डेवलप हो रहा है, और तुम क्या सो रहे थे? कह रहे आधार कार्ड भी नहीं है? मुझे उससे कोई काम भी नहीं है। Of course, हवा में उड़ने के लिए जमीन तो चाहिए ना? ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, नेचर ही सब कुछ देता है, मानती हूँ, लेकिन कुछ हमें भी डेवलप करना होता है। नेचर का मतलब है एयर, सैंड, वाटर, फायर, ये सब कुछ। वेरी इम्पोर्टेंट इंसान, उसे अपनी फीलिंग्स किसी को बताने के लिए कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, वो भी तो इंसानों ने ही डेवलप की है ना? बट अगर कोई तुम्हारी आंखों को देखकर तुम्हारी फीलिंग्स समझ जाए तो वो तुम्हें दिल से चाहते होंगे। ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं? कम ऑन, टेल मी। कंफ्यूज कर रही हूँ। नो, क्लैरिटी दे रही हूँ। अगर ये सब ना हो तो गलत क्या है? मैं इस देश में घूम रही हूँ अपनी खुशी के लिए, लेकिन पता है वो हैप्पीनेस कब मिलती है? जब मैं इंसानों को देखती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, लोकेशन, ये सब अपनी फैमिली के साथ शेयर करने से मिलती है। हैप्पीनेस मींस शेयरिंग फीलिंग्स। अपना घर छोड़कर आई हूँ लेकिन अपने घर वालों को नहीं। मैं कौन हूँ इस बात की मेरे पास क्लैरिटी है, मेरी एक आइडेंटिटी है, एड्रेस है।
तुम्हारा नाम क्या है? हेनली फ्रेंच, बट इंडिया आकर अपना नाम तमन्ना रख लिया। तमन्ना का मतलब जानते हो ना? तुम्हारी भाषा में आशा कहते हैं। बाय बाय। अरे क्या हुआ? अरे लगता है कोई लड़की की लड़की है रे। लड़की? पागल है क्या? अरे अरे मैं पागल नहीं हूँ। लगता है किसी ने सुसाइड कर लिया। लगता है ऐसे रहा मुझे। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे निकल। मैं प्यार करता हूँ सिर्फ तुमसे ही नहीं, सब से प्यार करता हूँ। गुड बाय। मुझे भूख लगी है। तो तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स हैं? थैंक गॉड। तुम्हें लगा कि मैं मर गई? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा तुम मेरे लिए दुखी हो रहे थे ना। कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे नाराज होने का हक है तुम्हें। चलो 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 यहां से। क्या हुआ? आशा कहाँ हो मेरी आशा, आ जाओ मेरी जान। छोटी सी आशा पकड़ी गई आशा। देव जी, लड़की को देखा, भाग गई वो। शट अप, ढूंढो उसे, लड़के को मार के उसे लेके आओ। चलो। आशा, छोटी सी आशा, कहाँ गई आशा, कहाँ छुपी आशा। रुको, तुम इस आश्रम में नहीं आ सकते।
सिद्ध। गुरुजी। दोबारा इस कंपाउंड में कभी पैर नहीं रखूंगा। सिद्ध, इन्हें अंदर लेकर जाओ। जी गुरुजी, आइए चलिए। आशा, गंदे काम करने के लिए ये तुम्हारा अड्डा नहीं, आश्रम है। मारिए सर, और मारिए। उसे देखने का मन कर रहा है, बिना देखे रह नहीं पा रहा हूं। बात करनी है, बिना बात करे रहा नहीं जा रहा है। इतने दिन आवारा था ना सर, पीछे मुड़कर देखा तो मेरा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। माँ, एड्रेस। तब ये बेचारी आई थी कि सर मैं हूं कहकर, देश मुसाफिर हूं ना, इस दिमाग को समझ नहीं पाया। प्रकृति में जी लूंगा ऐसा सोचा था। समंदर देखे, नदियां देखी, तालाब देखे, हर जगह पानी ही पानी सर, बहुत पानी था सर। लेकिन पहली बार इसकी आंखों में पानी देखा सर, मेरे लिए भाई आंसू देखे सर। मुझे वो चाहिए सर, हमेशा हमेशा के लिए चाहिए, मुझे ये जिंदगी भर के लिए चाहिए सर। सोचा था गलती की है, गलती पहचान ली। जिसका कोई नहीं वही मेरे पास आता है, अब वही तुम्हारी दुनिया है। पूरे दिल से तुम दोनों की शादी हो चुकी है। सिद्ध जी। जी गुरुजी। इन्हें चंपाले में हमारे घर लेकर जाओ। जी गुरुजी। जाओ जी, आइए आइए। ये बैग कहाँ से आया? जीने के लिए कपड़े चाहिए ना, बस में मिली थी। बस में मिली थी? हाँ। ये देखो, इसी घर में रहना है तुम्हें। वैसे तुमको तैरना आता है ना? समंदर तैर कर आया हूँ। यहाँ संसार में तैरना है, ध्यान रखना। क्या सोच रहे हो तुम? चलो। कहाँ? बताता हूँ, चलो। तुम्हारे अंदर भक्ति भी है? भक्ति नहीं, जिम्मेदारी। क्या मतलब? बचपन से रिश्तेदार, दोस्त, मेरे अपने कोई ना होने की वजह से इस हाथ से मैंने किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं किया था, लेकिन पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ और जिंदगी भर इस हाथ को छोड़ना नहीं चाहता। कोई मेरे साथ रहने के लिए गांठ बांधता तो मैं खोल कर सीधे भाग जाता। जिंदगी भर आजाद रहना चाहता था, लेकिन बस बहुत घूम लिया। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाकर मरते दम तक तुम्हारा बंदी बनकर रहना चाहता हूँ।
बहुत सुंदर है ना। नेक्स्ट क्या है? चाय। चाय। भैया एक चाय देना। 10 रुपया। क्या पैसा नहीं है? वो भाई अगर मैं कोई काम कर दूं तो चाय मिलेगी? क्या कहा? काम काम। तू मेरे पास काम करेगा तो मैं क्या करूंगा भाई? वो काम करेगा क्या? मुझे वो काम आता है। ठीक है करो। अब समझ में आ रहा है कि तब आश्रम में ये सारे काम क्यों करवाए जाते थे। बचपन से प्यार देने वाली माँ की गोद नहीं है, स्कूल भेजने वाले पापा नहीं है, कैसे जीना है ये सिखाने वाले कोई गुरु नहीं है, इसलिए मुझ जैसे लोगों को जीना सिखाने के लिए ही वो आश्रम था। ये जानवर भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों की भूख मिटा रहे हैं, हम इंसान हैं, काम करना चाहिए। हो गया भाई, थैंक्स। ये लो। ये कहां से चुरा कर लाए हो? हेलो, मेहनत करके लाया हूं। अच्छा, तुम भी पियो। शाबाश बेटा, मुझे लगा तुम ये काम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने अकेले ने दो का काम किया है, अच्छा किया। ये लो डबल पेमेंट, रख लो बेटा। क्या हुआ बेटा, ऐसे देख रहे हो जैसे पैसों को पहली बार देखा हो? सच में सर, सोचा था मुझे पैसों से कोई काम नहीं है, लेकिन सोचा नहीं था कि आज इन पैसों के लिए काम करूंगा। इन्हें तो मैं हवा में उड़ जाने वाले कागज कहता था, लेकिन मेहनत करके कमाने पर समझ में आ गया कि ये कितने कीमती हैं। पैसा कागज हो सकता है, लेकिन उन्हें व्यर्थ कागज की तरह कोई फाड़ कर कचरे में नहीं डालता। आज तुम्हारी जरूरत पूरी करने वाला यह पैसा कल किसी और की जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे पास से किसी और के पास चला जाएगा। मेरी नजर में यही असली भगवान है। अगर इंसान पैसों को नहीं खोजता तो ये दुनिया अभी तक ऐसे ही चलती रहती, भागती नहीं। सही बात है सर। मुश्किल में आने वाले आंसुओं को पहुंचने की शक्ति मेहनत करने पर आने वाले इन पसीनों की बूंदों में है बेटा, ये बात याद रख लो। जिंदगी में ऊपर आओगे। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। चलता हूं सर। हाँ। इन लड़कियों को लड़कों के साथ बेकार की शॉपिंग करते वक्त उनकी आंखों में चमक देखी, बिजली गिरते वक्त की रोशनी से ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन जो भी हो, पैसा कमाने में जितनी मेहनत करते हैं उन पैसों को अपनों के लिए खर्च करने का मजा ही कुछ और है। अब तक मुझे लगता था कि मेरी जरूरतों को पूरी करने के लिए ही ये दुनिया है, पहली बार मुझे किसी की जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यही जिंदगी है और ये जिंदगी कितनी सुंदर है। जानू जी, इतने साल कहीं भी रह लिया, कभी भी कुछ भी जो मिला खा लिया, पता भी नहीं कि किसने बनाया है, लेकिन मेरी जान मेरी जिंदगी में आ गई है। पहली बार बीवी के हाथ का खाना खाऊंगा। अरे योगी, आज तो तेरी बोगी है। सुनिए ना। कहिए ना। मुझे खाना बनाना नहीं आता जी। नहीं आता?
नहीं आता। हे भगवान, तुमने तो कहा था कि मैं हूँ। हाँ हूँ ना जी। किस लिए? खाने के लिए? अरे देश मुसाफिर, हर वक्त पर एक टेस्ट प्लेट में एक रोस्ट रहती थी, लेकिन अब तो जिंदगी कितनी वर्स्ट हो गई है यार। What was your life? What is the wife? Oh God! सुनिए ना जी। कहिए ना जी। भूख लगी है जी। समझ में आया जी। आश्रम में आदत थी ना जी। आग लगाने दीजिए। यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमें थैंक्स कहना है। थैंक्स? किसे? इस जगह को। इस जगह को थैंक्स? वो सूरज है ना, वही मेरा बाप है। रोज सुबह सुबह उठकर रास्ता दिखाता था। चांद मेरी माँ है। किस दिन कहाँ चला जाता था ये तो मुझे भी नहीं पता होता था, और ना ही पीछे मुड़कर मैं कभी देखता था। कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, ऐसा सोचता था। ऐसा लगता था कि बुद्ध को किसी पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था। उसी तरह मुझे तुम्हारी वजह से मिला है। तुम्हारे साथ मेरा आखिरी सांस तक रिश्ता है, ये मुझे इस जगह ने बताया। इस जगह ने तुम्हें बताया? मैं इस प्रकृति से प्यार करता हूँ, यह प्रकृति भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इसलिए बचपन से मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा, मुझे भी किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पहली बार इस जगह ने मुझसे कहा तुम्हारे साथ रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोनों जाकर कोई मूवी देख ले। हाँ। मूवी देखोगी? मैंने तुमसे कहा था वेंकट जैसे किसी को देखा है? आओ एक और को दिखाता हूँ, आओ। क्या चाहिए साहब? तुम्हारा बाप चाहिए। वो साला मेरा बाप कभी का भाग गया, मुझे नहीं मिला वो। मुझे तो मिल गया। हाँ? कहाँ पर है भाई? पेद्दापुर में। लोग अपना पाप धोने के लिए हरिद्वार या काशी जाकर गंगा स्नान करते हैं, ये पापी पेद्दापुर क्यों गया है? तुम्हारे पापा डाकू मंगल सिंह नहीं, बोकू मंगल सिंह है। सच कह रहे हो, कुछ भी हो मेरे बाप का एड्रेस मुझे बता दो। ये मूंगफली ले जाओ, फ्री में ले जाओ। मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए भाई। देखो 20 रुपए का पैकेट बांध दो। मेरा शरणा कितना बदल गया है ना। ये पहले कैसा था मैडम? अरे अभी वो सब क्यों चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। मेरे पापा की तरह? एक वक्त का खाना और जाकर सो जाना। आशा, अरे बोलने दो ना भाई। मेरा पति बहुत बड़ा मुसाफिर है। मतलब मेरे बाप की तरह? वो भैंस की तरह हर जगह बीज डालता हुआ चला गया, उसमें और मुझमें कोई मेल नहीं है। तुम चुप रहो, आप बोलिए मैडम। शरीर के कपड़े से लेकर मुंह के निवाले तक मेरे पति ने कभी किसी चीज के लिए अपनी जिंदगी में 1 रुपए नहीं दिए हैं। सब कुछ फ्री, बीड़ी, सिगरेट, दारू, सब कुछ फ्री में मिलता था। क्या ये बात सच है? अबे ज्यादा बिल्ट अप मत है, और तुम चलो मेरे साथ चलो। अरे, असली बात तो अभी बतानी बाकी है। हाँ बताइए, बोलिए। एक बार इन्हें एक वेश्या मिली थी। वेश्या? ओए अब यहाँ तक रोक दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बोलने दो ना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बताइए। इंटरेस्टिंग है? बताइए बताइए। बंद कमरे में अपने रहस्य बताते हैं तो ऐसा ही होता है। आप चिंता मत कीजिए मैडम, बताइए। वो लड़की इनके साथ एक रूम में जाना चाहती थी, पर इनके पास कोई रूम ही नहीं था। रूम नहीं था? फोन भी नहीं था। अरे रे। जेब में पर्स भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अरे आज के समय में फोन और पर्स के बिना कैसे रहते हो भाई? अरे यार मैं पहले वैसा ही था, चलो छोड़ो। तो फिर क्या किया? फ्री 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 में ही? अरे यार वहाँ भी फ्री चले गए। फिर क्या हुआ मैडम? पर मेरे पति बहुत अच्छे हैं, इन्होंने गलतियाँ की होंगी, लेकिन मेरे पति ने कभी कोई अपराध नहीं किया। आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है मैडम,
जिंदगी बहुत अच्छी होती है, इसका अंत कैसा होगा पता नहीं। अपने पति पत्नी बच्चे पोता पोती ये सब अपने होते हैं, हमारे जाने के बाद ये हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं। अपने बाप को हमने नहीं ढूंढा, उनको ही हमें ढूंढते हुए आना होगा। देखो मैडम, ऐसे घूमने वाले पति का हाथ अब आप पकड़ लो, ये हाथ अब कभी मत छोड़ना वरना पतंग की तरह उड़ते जाएगा उड़ते जाएगा। ध्यान रखना मैडम, हमेशा खुश रहो। चलते हैं भाई, बाय। मेरी महारानी कहाँ है? कामिनी कहाँ है? सोने के लिए मुझे कोई भी लड़की चल सकती है, अगर कोई नहीं मिली तो तुमसे भी काम चला लूंगा चला लूंगा चला लूंगा। मैं उससे शादी करना चाहता था, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, चाहिए मुझे वो बैंकर भी भाग गया, नहीं तो उसे ही मार डालता। जाओ 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 जाओ, जाके ढूंढो उसे, जाओ जाके ढूंढो, जाओ। वेयर आर यू, कहाँ हो तुम महारानी, कहाँ हो तुम? योगी, जब पंडित जी ने गोत्र पूछा तो तुम वहाँ चुप क्यों खड़े थे? याद नहीं आया, उस वक्त बचपन के किस्से याद आ रहे थे। मुझे पैदा करके मेरी माँ मर गई, वो तो बेचारी मुझे दूध भी नहीं पिला सकी। तब से सब कुछ मेरे पापा ही थे, बिन माँ का बच्चा हूँ इसलिए बहुत लाड़ प्यार करते थे। मेरे नाम से पूजा अभिषेक नित्य अन्नदान करवाते थे। शायद उनके ही पुण्य की वजह से मैं जहां भी घूमता हूं कोई कमी नहीं महसूस होती। लेकिन अपने ही लोगों ने पापा को पैसों के लिए धोखा दिया, वो उनसे सहन नहीं हुआ। पैसों की वजह से मैंने इतना धोखा खाया, मां तो चल बसी थी, पापा भी मुझसे दूर हो गए। तब से पैसों से चिढ़ होने लगी, नफरत गुस्सा द्वेष। मेरे पापा ने जो दान और मदद की, कई लोगों को बचाया, कई लोगों की भूख मिटाई। मुझे लगा पैसा लालच है, कई लोगों के लिए तो वो जरूरत है। आज भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी, मेहनत करके कमाना है और पापा के रास्ते पर चलना है, और मैं वही करूंगा। I'm so lucky, योगी।
क्या है ये? जानवर को जो मिलता है वो खा लेता है, लेकिन हम जानवर नहीं है, हम इंसान है। कल की सोचनी चाहिए, सिर्फ पति नहीं पत्नी को भी मेहनत करनी चाहिए, तभी भविष्य अच्छा होगा। उन्हें देखो, अभी सिर्फ तुम और मैं हैं, लेकिन कल तुम्हारे अंदर की बदमाशी और मेरे अंदर की आशा मिलकर एक बेटा या बेटी आ जाए तो। बेटा या बेटी? हेलो, कैसे हो? सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। कैसे हो पुत्र? ए पीछे पीछे पीछे। अरे तू घर पे गया था क्या? अरे अरे ठीक है पुत्र, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है ठीक है। हाँ ये कौन है? ये क्या चाहिए? भेस बदल कर धोखा देता है, मारो साले को। सुपर सिंह, सन ऑफ डाकू मंगल सिंह, आईपीएस 1985, कैडर नंबर 32, बैच नंबर 731, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये कैसे कपड़े हैं? तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं खत बनाकर लाई हूँ। सच में? वो तो ठीक है, लेकिन खेत में ये परफॉर्मेंस क्या है? तुम्हें जो बैग मिला था उसमें मुझे यही कपड़े मिले। अब चलो खाना खा लो। हाँ, क्या बनाया? अरे इतनी क्या जल्दी है, बीवी ने पहली बार बनाया है, एक्साइटमेंट तो होगा ही ना। कैसा है बताओ ना, कैसा बना? बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नमक डाला होता तो। ये लो इसे भी खाओ। इस बार नमक डालने से पहले मुझसे पूछ लेना। अच्छा अच्छा, इसे भी टेस्ट करो ना। बताओ ना कैसा बना? अच्छा नहीं है, इसमें भी नमक नहीं है। सिर्फ नमक नहीं, मिर्च भी नहीं है। मिर्ची? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों, मिर्च पाउडर भी लाइयो? नहीं। तो फिर? अरे तुम्हारे खाने की ऐसी की तैसी, एक काम करो, नमक मिर्च हल्दी प्याज सब मेरे मुंह में डालकर नीचे से आग लगा दो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो हरी मिर्च कैसे खाऊंगा मैं? बीवी खाना पकाए तो तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, इन्हीं हाथों ने ये खाना बनाया है, जानते हो? इतनी स्पाइसी फिगर सामने है और तुम्हें और स्पाइस चाहिए, और मिर्ची चाहिए क्या? और रोटी कैसी है? गर्मा गर्म है। और पूछना ही गलत है। और नमक? नमक भी एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो खाओ ना। खा रहा हूँ। मिर्च
आशा, अरे तुम, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ? ये आप तो सुनो। अरे मैं पापा बनने वाला हूँ, तुम माँ बनने वाली हो। एक मिनट रुको, अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। हाँ चलो यहाँ पर बैठो, आओ अभी आता हूँ। दादा, अम्मा, दादा, मैं पापा बनने वाला हूँ। थैंक यू अंकल, मैं भी बाप बनने वाला हूँ। मेरी बात नहीं सुनोगे? थैंक यू सो मच। तीन रात में तीसरा महीना नहीं आ सकता। तो तुमने उल्टी की थी? अपना पकाया हुआ खाना खाने की वजह से पेट खराब हो गया है बस। अच्छा, तो फिर स्पीड बढ़ानी होगी बस। चलो नीचे उतारो। अरे रुको तो। आशा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने। टैटू करवाने आई थी, सॉरी यहां तुम दिखाई नहीं दी तो मेरी जान चली गई थी। आशा, बहुत जोर से लगी, कभी नहीं मारूंगा। दर्द हो रहा है क्या? अभी कम हुआ? थोड़ा सा हुआ। अब और थोड़ा सा हुआ। और अब पूरा हो गया, लेकिन दर्द यहाँ हो रहा था। लेकिन वहाँ पर तो मैंने मारा ही नहीं था, तो अब मार दूँ? इस जगह पर आने के बाद इन पहाड़ों के बीच एक झोपड़ी दिखाकर तुम इसी घर में रहने वाले हो, ये कहने पर ऐसा लगा था कि दो इंसान ही नहीं, दो जानवर भी यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन अब समझ में आ गया कि जिंदगी भर साथ रहने वाले दिलों को एक दूसरे को समझने के लिए कम से कम इतनी प्राइवेसी तो होनी ही चाहिए। योगी, घबराओ मत, ऐसी परिस्थिति युगों युगों से भगवान पर भी आई है, लेकिन वो जीत गए। डरो मत, राम के वानरों की तरह मेरे आदमी तुम्हारे साथ आएंगे, जाकर उस लड़की को बचा लो। नहीं सर, जिसे मैंने अपना समझा वो कभी मेरे पास नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही जी रहा था। लेकिन अब जब हमारे बीच ये अटूट बंधन बना है तो वो आकर कोई कैसे तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता ना सर। अब तक आपने जो मदद की उसके लिए थैंक्स सर। मैं अपनी बीवी को खुद ही लेकर आऊंगा। We'll be right back.
की जरूरत पड़ी है, प्लीज आशा को बचा लीजिए। मेरी आशा, मेरा साथ, मेरी छाया को बचाइए। बिना किसी छाया के कैसे जी सकते हैं? मुझे कोई नहीं चाहिए था, आपने उसे मुझे दिलाया। अब वही मेरी दुनिया बनने के बाद उसे दूर कर दोगे, प्लीज। डॉक्टर, आशा कैसी है डॉक्टर, प्लीज बताइए। कांग्रेचुलेशंस। आशा ठीक तो है ना? बताइए, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? डोंट वरी, सिर्फ तुम्हारी वाइफ ही नहीं, बच्चा भी सेफ है। बच्चा? बोथ आर सेफ। बच्चा मतलब मैं? या आशा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या मैं आशा को देख सकता हूँ डॉक्टर? गो अहेड। थैंक यू। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। हमारा बच्चा, तुम मेरी आशा नहीं, अत्याशा हो। तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू।